नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। तो हमें पता है KMnO4 जो होता है इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो एसिडिक मीडियम में है तो जो Mn है वो किस में, अभी +7 में, ये कन्वर्ट होके किस में जाएगा, Mn2+ में। यहाँ से यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, राइट। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। तो फेरस ऑक्सिलेट जो होगा Fe3O4, ये कन्वर्ट किस में होगा, Fe3+N+CO2 यानी कि +4 में। यहाँ पे जो फेरस है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फेरस मतलब +2, और जो कार्बन है वो किस में है, +3 में। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। अगर फेरस जो Fe है +2 से +3 में गया, कितने का चेंज आया, 1 इलेक्ट्रॉन का। 2 Fe के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। यहाँ से कार्बन, एक कार्बन +3 से +4 में गया, तो 4 कार्बन में कितना चेंज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल जो चेंज आया वो कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन का। और हमें पता है यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इसके 2 मोल को न्यूट्रलाइज करना है तो इसके कितने मोल चाहिए, हमें पता है कि 1 मोल अगर KMnO लिया तो कितना आएगा, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए x मान लिया, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6/5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।